अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। किस तरह की समस्या होती है, क्या दिक्कत है? आने जाने में गंभीर समस्याएं होती हैं और हाल में अभी ये कुंभ मेला आ रहा है जिसके चलते मार्ग और भी ज्यादा बाधित अवरोधित होगा और घटनाएं अभी की अपेक्षा और भी बढ़ सकती हैं। इसको देखते हुए तत्कालिक व्यवस्था में हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से पीपे पुल का भी जो है मांग किया है कि यदि अगर पीपा पुल बन जाएगा तो ये यातायात मार्गों में दो मार्गों में विभाजित हो जाएगा और मार्ग दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं, नहीं तो भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। महिला घाट में कब से काम चालू हुआ है और कब तक पूरा होना था, किस समय क्या हाल है? ये सन 2011 अक्टूबर माह में इसका शिलान्यास हुआ था और ये इसका लक्ष्य था कि 2015 में पूरा कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। 2018 में पूरा होने का आश्वासन दिया गया और 2018 भी समाप्त हो रहा है, लेकिन पुल अभी तक नहीं बन पाया। आप लोग की क्या क्या मांगे हैं आज की? आज की प्रमुख मांग यही है कि ये यमुना पुल जो है महिला घाट का बनवाया जाए और त्वरित व्यवस्था जो है तत्कालिक व्यवस्था हमारी की जाए कि पीपे का पुल का निर्माण करा दिया जाए जिससे जो है यातायात आसानी से होता है। एक दिन इसमें कम से कम डेली 3,000 से 5,000 के बीच डेली आवागमन रहता है नाव के माध्यम से। ये मऊ घाट से लेके महिला घाट 3,000 से 5,000, इसके अभी कुंभ का मेला चालू होगा तो 10,000 उसकी संख्या बढ़ सकती है। महिला घाट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महिला घाट के लिए हम सभी समाज सेवी बंधुओं ने मिलकर जो रणनीति बनाई है वो यह है कि अगर भविष्य में शासन प्रशासन या उसके जिम्मेदार व्यक्ति लोग इस दिशा पे सही निर्णय या सही कदम नहीं उठाते हैं तो समय पड़ने पर या जरूरत पड़ने पे हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर उसके लिए आंदोलन करने के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। यह ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने माध्यम से धन्यवाद। तहसीलदार साहब, हम सभी लोग आपके आभारी हैं।